टेस्टोस्टेरोन यानी कि सेक्स हार्मोन बढ़ाने के 7 कुदरती उपाय आज आपको बताने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति दगी महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। टेस्टोस्टेरोन यह एक सेक्स हार्मोन है, मेल्स में होता है और यह मतलब पुरुषत्व के लिए बहुत जरूरी है, मैस्कुलिनिटी के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा बोला जाता है कि 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से नीचे यदि उसकी लेवल ब्लड में है तो वो प्रॉब्लम है। 300 से कम, अक्सर वो 300 से 1100 तक नॉर्मल मानी जाती है। 300 से 1100 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर। अब ये कम रहा तो क्या होता है? कम रहा तो सेक्स की इच्छा नहीं होना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, सेक्स का ड्राइव कम हो सकता है, इच्छा, इंटरेस्ट, इरेक्शन का कम होना, फिर थोड़ा मोटापा आ सकता है, टेस्टोस्टेरोन कम है तो थकान आती है, मस्कुलर वीकनेस आता है, मसल बिल्ड नहीं होती, हेयर लॉस होता है, जल्दी मतलब चैटी हो सकती है, बियर्ड दाढ़ी जो है उसमें बाल कम हो सकते हैं, ये हेयर लॉस ज़्यादा हो जाता है, स्लीप कम आ जाती है और स्लीप की क्वालिटी भी कम हो जाती है, और बोन मास जो है मतलब हड्डी जो है उसका जो बोन मास है वो कम हो जाता है। तो ये काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स टेस्टोस्टेरोन लेवल यदि कम है तो होते हैं। अभी हमको ये देखना है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कुदरती लेवल पे मतलब कुदरती उपाय क्या हो सकते हैं कि जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ सकता है। तो यूजुअली क्या होता है कि उम्र के 20-22 साल की उम्र में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बहुत हाई रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, और बाद में फिर 40-45 साल के बाद में कम कम होना शुरू हो जाता है। तभी इसको करना क्या है कि जिससे नॉर्मल मेंटेन रहेगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम नहीं होगा, ताकि उसके जो साइड इफेक्ट है टेस्टोस्टेरोन कम होने के वो नहीं होंगे। ऐसा कहा जाता है कि आयुर्वेदा में शिलाजीत और अश्वगंधा जो है उससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। तो आप नेचुरल है तो नेचुरल अपने फूड में भी अश्वगंधा शिलाजीत हो सकता है वो ले सकते हैं या उसकी पाउडर आप ले सकते हैं। दूसरा जो है कि सनलाइट, कम से कम 10 से 15 मिनट की आप सनलाइट लेते हैं तो उसमें विटामिन डी आपको मिलता है, और सनलाइट आप लेते हैं तो कॉर्टिसोल लेवल कम होती है। कॉर्टिसोल लेवल जो है स्टीरॉयड लेवल आपकी बॉडी की कम होती है, सनलाइट मिलता है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाती है। तीसरा जो है स्ट्रेस फ्री लाइफ, क्योंकि जब जब स्ट्रेस आता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जब आता है तो बॉडी की कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाती है जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाती है। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ, मेडिटेशन करना, सेल्फ हिप्नोसिस करना बहुत जरूरी है। चौथा जो है कि वर्कआउट आप करते हैं, अलग तरह की 45 मिनट की या 1 घंटे की वर्कआउट करें जिससे कि मसल मास बिल्ड होगा, बॉडी में ब्लड फ्लो हो जाएगा, तो ब्लड फ्लो अच्छा बढ़ेगा तो उससे टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन अच्छा होता है। पांचवा जो है वो है अपने फूड, खाने में, तो खाने में पूरा बैलेंस डाइट है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, फिर पूरा हाई प्रोटीन डाइट है जैसा पनीर है, फिर छोले है, राजमा है, फैट अच्छा खा रहे हैं, नॉन वेज है तो फिश और एग्स वो लोग खा सकते हैं, और डाइट में शुगर कम से कम होना। क्या होता है, आप शुगर जितने खाते हो ज़्यादा या जितने मल्टीपल टाइम्स आप खाना खाते हो उसमें ज़्यादा शुगर है, स्वीट है, तो उससे इंसुलिन स्पाइक्स बहुत ज़्यादा होती है, और जब जब इंसुलिन स्पाइक जब बॉडी में ज़्यादा होती है टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने के चांसेस पूरे हैं। तो खाने में शुगर कम और बैलेंस डाइट। छठवा जो है वो अल्कोहल, शराब, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकती है। सातवा जो है वह स्लीप, अच्छी नींद लेना, 7 से 8 घंटे की नींद आप अच्छी लेते हैं तो, और बैलेंस मतलब फिक्स टाइम सोने का, फिक्स टाइम उठने का, तो फिटनेस भी अच्छा रहेगा और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन भी अच्छा हो सकता है। तो ये जो है ये 7 अलग अलग नुस्खे हैं कि जिससे आप टेस्टोस्टेरोन लेवल का नॉर्मल रह सकते हैं और जिससे कि जो प्रॉब्लम्स आते हैं टेस्टोस्टेरोन कम होने से, तो वो जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब नपुंसकत्व आना, ऐसा नहीं कि टेस्टोस्टेरोन कम हो तो होता ही है करके चांसेस है, तो नपुंसकत्व आना या इच्छा नहीं होना सेक्स करने की तो वो भी हो सकता है, या मसल मास कम होना, थकान आना, तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स हेयर लॉस तो ये होंगे नहीं, और एक पुरुष जैसा पुरुषत्व जो है वो हरदम कायम रहेगा, जोश रहेगा, उत्साह रहेगा, जुनून रहेगा। तो ये आप करते हैं तो जरूर आपका फिटनेस जो है वो भी अच्छा रहेगा और सेक्स लाइफ भी अच्छा हो सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।